भाई 26% लग गया है टैक्स, अब क्या करें, काम धंधा छोड़ दें। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, हमें लग रहा है कि अपनी एजेंसी बंद करनी पड़ जाएगी। 26% गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है। पांच परसेंट अलग है, 4% अलग है, फिर 12% सिंध का है, 16% पंजाब का आ जाता है। मेरे भाई क्या करें, ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने, जो भी है इसके जो भी अहदेदार हैं, उन्होंने बर्बाद कर दी है। अगर आप मार्केट में जाते हैं, इंपोर्टर्स आपको वहाँ पर अलग काट रहे हैं, रीसेलर्स आप लोगों को अलग काट रहे हैं, जो शॉप्स वाले होते हैं वो अपना मोटा मोटा नफा रख रहे हैं। एक नॉर्मली ई कॉमर्स करने वाले बंदे के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया ई कॉमर्स करना। ठीक है, देखो भाई, हमें तो रोज़ जीना पड़ता है, पाकिस्तान में रहने वालों को रोज कुछ ना कुछ मसले फेस करते हैं। दुनिया में इस तरह होता है कि उसको सैलरी इतनी अच्छी मिलती है जो कि उसकी सेविंग्स भी होती है, लेकिन पाकिस्तान में 50,000 कमाने वाला बंदा भी परेशान है और 5 लाख कमाने वाला बंदा भी परेशान है, क्योंकि उसके खर्चे उस हिसाब से 5 लाख के होते हैं और जो महंगाई बढ़ती है तो वो अपनी 5 लाख की सैलरी में भी अपने खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकता। जितनी मेरे ख्याल से एजेंसीज हैं, ज्यादातर मेरे ख्याल से अभी ऐड भी काफी सारे लोगों ने रोक दिए हैं, क्योंकि 1 लाख रुपए स्पेंड करने पर 26,000 रुपए मेरे भाई टैक्स कौन देता है? और फिर इनकी अकलमंदी ये है मेरे भाई कि वो 45 दिन बाद आपसे पैसे काटते हैं। काफी सारे लोग यही कर रहे हैं कि LTD की तरफ जा रहे हैं, LLC की तरफ जा रहे हैं, नोमाद वीजा है दुबई का उसकी तरफ जा रहे हैं कि भाई दुबई में बैंक बना ले वर्चुअल और दुबई के बैंक से काम करके। हर बंदा, अब हर एजेंसी अल्टरनेटिव ढूंढ रही है। जो पहले अगर कोई 10 करोड़ के एड्स चलते थे तो अब वो 5 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़ के एड्स चलेंगे। और दिन ब दिन जिस तरह जो कंपनीज हैं वो पाकिस्तान से इंटरेस्ट अपना हटाते जा रही हैं, तो फिर फेसबुक का भी यही होगा कि जब उसे अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट नहीं होगी तो वो यहाँ पर लोगों के साथ काम करने में सीरियस नहीं होगा। तो काफी सारे ऐसे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जिसमें आप अपना वर्चुअल कार्ड बना लेते हैं और उससे आप अपनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन फीस देनी पड़ती है। अब मैं आपको बता दूं मेरे भाई, कमा कौन रहा है? कमा वही रहा है जो डायरेक्ट इम्पोर्ट करवा रहा है चाइना से, बीच में सारे कमीशन कट जाते हैं और उसके बाद कोई वो आगे सप्लाई नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट अपना कंज्यूमर को ऑफलाइन या ऑनलाइन सेल कर रहा है। उस बंदे की मेरे ख्याल से आगे जीत है, आगे वो काम कर सकता है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।